We are going to learn solutions. Solution is the second chapter of class 12. और बच्चे KVS RO का और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं, जो हमारे DC सर हैं, जो हमारी AC मैम, सिलवाला मैम, ये सब मिल करके एक बच्चों के लिए घर में ही बैठे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है और बच्चे उम्मीद है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हर एक के भी में कुछ ना कुछ लाइव क्लास स्टार्ट हो गया था, तो हो सकता है बच्चे कि ये लगे आपको कि ये रिपीट क्लास हो रहा है, ये तो हम पढ़ रखे हैं, लेकिन लर्निंग की कोई एंड नहीं होती, इसलिए हम फिर से सीख सकते हैं और फिर से अपने इस जो वैश्विक महामारी है इस समय भी अपने हम जो सीखने का आपका जज्बा है उसको कायम रखेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। बट व्हाट इज सॉल्यूशन? यदि हम बात करें सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। अब आप कहोगे ये टर्म होमोजेनियस का क्या मीनिंग है, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है? तो जब हम आप 11 क्लास में चले थे और मैटर का क्लासिफिकेशन किया था, तो दो क्लासिफिकेशन किया था, एक फिजिकल एक केमिकल। केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम आते हैं प्योर और इम्प्योर में। प्योर को आप बोलते हैं एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में दो आप कैटेगराइज कर देते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो यहां पर आ रहा है टर्म होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज व्हिच कंपोजिशंस ऑफ द कंपोनेंट इज थ्रू आउट द सेम। फॉर एग्जांपल एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चे एयर आपके स्कूल का हो, आपके घर का हो, आपके रिलेटिव्स के यहाँ का हो, लेकिन एयर को जब भी हम एनालाइज करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज हम सेम पाएंगे, इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस। वी टेक अनदर एग्जांपल ब्रास। ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो बेटा जिंक और कॉपर दोनों मिलकर के ये ब्रास बन रहा है, जिसके किसी भी पोर्शन को यदि हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हम ब्रास में कॉपर और जिंक का परसेंटेज सेम पाते हैं एवरीवेयर, इसी को बोलते हैं होमोजेनियस। सो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कि उस मिक्सचर के कितने कंपोनेंट हैं, तो पहला आपका आएगा बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशंस यदि तीन कंपोनेंट हो तो हम बोलते हैं इसको टर्नरी सॉल्यूशन, यदि फोर कंपोनेंट हो तो बोलते हैं हम क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो अपने सिलेबस में बच्चे हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस ही हमको पढ़ना है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस में दो कंपोनेंट हैं, क्या क्या नाम लिखते हैं हम लोग, हम एक को बोलते हैं बेटा सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट का नाम बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, सो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बन जाता है, हमें मिलता है सॉल्यूशन। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है? सो फॉर ए होमोजीनियस फेज, इफ वी टॉकिंग अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल सॉलिड सॉल्यूशन इज ब्रास। ब्रास इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। कॉपर एंड जिंक, कॉपर इज 80%, जिंक इज 20%। सो दिस इज माइनर कंपोनेंट। सो माइनर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा बेटा कि ये जैसे ये सॉलिड स्टेट में था, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में, तो जब आप सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे बात करें कि मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, माइनर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। देन इफ
your solution, for example, sugar solution appeared in aqueous phase or liquid phase. So if you take sugar और वाटर, तो वाटर का क्या फेज है आपका? लिक्विड. सुगर का क्या फेज है? सॉलिड. इस केस में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन जिस फेज को एक्वायर किया है, उस फेज वाला जो कंपोनेंट है वो हमारा सॉल्वेंट होगा. सो इट इज ऑलवेज ट्रू. सो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया. ऐसे बुक में जनरली लिखा होता है कि मेजर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, माइनर इज, लेकिन यह हर हमेशा सही नहीं होता, तो इसलिए इस चीज को यहां पर लिया गया. नाउ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में दूसरा टाइप हम लोग चल रहे हैं बेटा, ऑर्डिनरी सॉल्यूशन एंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. ऑर्डिनरी सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच स्ट्रेंथ इज नॉट नोन. जैसे आप घर में बनाते हो, सुगर सॉल्यूशन बना लेते हो, अभी आप सिकंजी बनाओगे समर डेज में, तो ये सब सॉल्यूशन ऑर्डिनरी सॉल्यूशन है. लेकिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कौन होते हैं? जो आपके लैब में बनता है. स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच कंसंट्रेशन इज नोन, व्हिच स्ट्रेंथ इज नोन. तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. सो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप. प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड. अब आप रिकॉल करो अपने 11 क्लास के प्रैक्टिकल को. आपके स्कूल में जब सर ने और मैम ने प्रैक्टिकल कराया है, तो उसमें आपको एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट में दिया कि प्रिपेयर एम बाई 20 एम ऑक्जेलिक एसिड 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन. बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन कैलकुलेट द मोलरिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन NaOH सॉल्यूशन या गिवन Na2CO3 सॉल्यूशन. उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बोला कि HCl आपको दिया हुआ है और आप ऑक्जेलिक एसिड का निकालिए? तो यहां पर क्या है, इस चीज को बेटे समझने की जरूरत है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड कैसे बनाते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनता है. तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर डायरेक्टली बाय वेइंग प्रोसेस, बाय मेजरिंग द वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, एंड देन वी प्रिपेयर प्राइमरी स्टैंडर्ड. बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ ए प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय टाइट्रेशन प्रोसेस, जो आप करते हैं. लेकिन कभी आप इस पे गौर नहीं किया होगा कि इसी को क्यों दिया मैडम ने, सर को सर इसी चीज को क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ऑक्जेलिक बना लो, आप Na2CO3 का बना लो और उससे HCl और NaOH को टाइट्रेट करो. तो देखो बेटा, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं. सॉल्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन प्योरेस्ट फॉर्म. प्योर फॉर्म में सॉल्यूशन सॉल्यूट का होना जरूरी है. तो जैसे अभी आप 12th क्लास में आए ही हैं, अभी आपको हम लोग प्रैक्टिकल करवाएंगे KMnO4 का, कहेंगे स्ट्रेंथ और मोलरिटी निकालो. तो KMnO4 पहले क्यों नहीं बनाया? बिकॉज KMnO4 इज नॉट अवेलेबल इन प्योरेस्ट फॉर्म इन आवर लैब. जो भी आता है इम्प्यूरिटीज के साथ आता है. दूसरा, द सॉल्यूशन मस्ट बी स्टेबल फॉर सम डेज. थोड़ा सा कोरोसिव नेचर का नहीं होना चाहिए. तीसरा कंडीशंस क्या होता है, इट शुड बी स्टेबल ऑन हीटिंग. थोड़ा सा यदि हीट भी कर दें, जैसे ऑक्जेलिक एसिड में हमको हीट करना पड़ता है KMnO4 के साथ, तो वो स्टेबल रहता है. और इट शुड नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड इजली. फोर्थ, जो NaOH के केस में हम लोग अडॉप्ट करते हैं, NaOH इज ए हाईली डेलिक्वेसेंट मटेरियल. डेलिक्वेसेंट मटेरियल आर दोज व्हिच अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वेरी क्विकली. सो जब तक बेटे आप वेट करने के लिए जाओगे, तब तक तो बहुत सारा वेट गेन कर लेगा. तो ये सारे डिफिकल्टीज आपको आएंगे और आप प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे. सो आई होप
ये कंसेप्ट जो आपको प्रैक्टिकल में भी काम देगा, वाइवा में काम देगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को हम डायरेक्टली वेइंग प्रोसेस से बनाते हैं, सेकेंडरी को हम डाइटेशन से बनाते हैं। नाउ देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट मोड इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, इसमें सॉल्यूट का मास परसेंट में दिया रहेगा। तो मास परसेंटेज पहला मोड है बेटा, बाय मास, ऐसे लिखा रहेगा आपका बाय मास। फॉर एग्जाम्पल 10% एक्वस NaCl बाय मास, 10% एक्वस NaCl बाय मास। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 10 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो आप इसका फॉर्मूला क्या निकालोगे? मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस तरह से हम बाय मास का निकाल सकते हैं। अब यदि यहां पर मोड बदल जाए और आपका लिखा रहे बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, अब देखिए यहां पर 10% एक्वस इथेनॉल बाय वॉल्यूम। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? ऊपर में लिखना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, हमारा वॉल्यूम परसेंट आ जाएगा। तीसरा मोड जो होता है बेटा वो होता है मास बाय वॉल्यूम, डब्ल्यू बाय वी लिखा रहेगा आपका, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। इसमें इस मोड को जनरली मेडिसिनल केमिस्ट्री में यूज करते हैं, और जो हमारी दवा बनाने की फैक्ट्री होती है वो स्ट्रेंथ इस तरह से मेजर कराते हैं। तो जैसे आपको आया फिर कि 10% एक्वस NaCl डब्ल्यू बाय वी, सो व्हाट डज इट मीन? 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो इन दिस केस वी कांट फाइंड आउट द वेट ऑफ वाटर हियर। व्हाई? फॉर दिस ए फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी इज रिक्वायर्ड, देन वी कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्वेंट। नाउ सेकेंड मेथड मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन इज मोल फ्रैक्शन, इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ग्रीक लेटर का। If you have two component A and B, suppose B let it is representation of solute, A is representation of solvent, then how can you calculate number of moles of mole fraction of solute? So it is number of moles of B component, number of moles of A plus number of moles of B. So what is the definition? So it is the number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. Number of moles of one component to the total number of moles present in the solution. So similarly, if you calculate chi A, what is it? It is Na plus Nb. So, chi A plus chi B, or whatever the number of components, mole fraction of sum of mole fraction is always unity, always one.
इस केस में देख रहे हो बेटा कोई भी यूनिट नहीं है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो है इसलिए यूनिट नहीं है। तो आप मोल फ्रैक्शन एक निकाल लिया, दूसरे को वन से माइनस कर देंगे, निकलने का तरीका आसान हो जाएगा। और मोल निकालना तो आप सीखे हुए हैं कि इसको कैसे करते हैं हम लोग। मोल यदि निकालना चाहते हैं तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपको गिवन रहता है, मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaOH है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका 23, इसका 16 प्लस 1 हमने निकाल दिया 40। तो यदि ये 4 ग्राम था तो 4 बाय 40 कितना आ जाएगा, 0.1 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग मोल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड मोड में चलते हैं हम लोग। थर्ड मोड हमारा है मोलरिटी। मोलरिटी इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर, डिजॉल्व इन लीटर। अगेन डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सो if you expand this again, this is number of moles, and if volume is not given in liter, then you have to divide by 1000, so it appears in upper side and you can calculate. So it is mole per liter, mole per liter. Now if the solution gets diluted or it becomes concentrated, then molarity gets changed. So applying this formula, this is called dilution formula or molarity equation. Particularly this formula is generally used for the preparation of solution in the lab. बच्चे आपके lab में जो sulfuric acid का bottle आता है, उस बोतल के ऊपर मार्क क्या किया हुआ रहता है, 98% H2SO4 और इसकी डेंसिटी मार्क रहती है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर की। हमें मोलरिटी नहीं लिखा रहता है, लेकिन हम अपने लैब अटेंडेंट को बोलते हैं या हम खुद सॉल्यूशन बनाते हैं, हमें आप लोगों के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है। तो सपोज करो कि हमें 2 लीटर सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी 1 m है, हमें सेल्फ पे रखने के लिए, क्योंकि यदि हम इसको डाइल्यूट कर देंगे तो आपको हार्म नहीं करेगा। तो ऐसा इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारा डाइल्यूट H2SO4 का भी अलग रिक्वायरमेंट है लैब के अंदर। तो बेटा यहां पर इसका हमें मोलरिटी चाहिए, तो मोलरिटी निकालने का एक शॉर्ट फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहां पर, पी इंटू डी इंटू 10 बाय मोलर मास। पी स्टैंड फॉर परसेंटेज, डी स्टैंड फॉर डेंसिटी एंड दिस इज मोलर मास। सो आपको क्या लिखा हुआ है परसेंटेज में, 98, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.84, 10, और मोलर मास H2SO4 का होता है 98। तो देखो मोलरिटी कितनी आ गई आपकी, 18.4 m आ गई। तो आप इस फॉर्मूला को यूज करो कि आपको पता है m1 तो कितना आ गया, 18.4। ये आपको निकालना है कि 2 लीटर बनाने के लिए कितना वॉल्यूम रिक्वायरमेंट है। जैसे आपको मैं बोलूंगा लैब में, बेटे मुझे 1 लीटर सॉल्यूशन बना दो 1 m मोलरिटी की, आप कहोगे सर हमें इतना वॉल्यूम लेना पड़ेगा, तो आप कैलकुलेट करोगे तो M2 तो आपको पता हो गया कि 1 है, और वॉल्यूम भी पता हो गया कि 2 लीटर सर ने बोला बनाने के लिए, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2 बाय 18.4 लीटर। इसको आप यदि हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि इतना वॉल्यूम हमने मेकअप कर लिया, इसका V1 ले लिया और 2 लीटर सोल्यूशन को बनाया, तो हमारी मोलरिटी आ गई। तो इस तरह से बेटा हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में इस फॉर्मूला को यूज करते हैं।
थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में चलते हैं, देखते हैं इसको। ये आपका HCl सॉल्यूशन है जो आपने बना रखा था 0.5 एम मोलरिटी की और आपने 300 मिलीलीटर बनाया था। इस बीकर में वाटर भरा हुआ है, सिर्फ वाटर है और वॉल्यूम आप जानते हैं कि इसका 700 मिलीलीटर। अब इस सॉल्यूशन को आपने इसमें डाल दिया, हो सकता है बाय मिस्टेक डल गया हो। अब आप चाहते हैं कि भाई नई मोलरिटी क्या है, तो आप निकाल सकते हो, फिर फॉर्मूला लगाओ m1v1 = m2v2। m1 कितना है हमारे पास, देखिए 0.5 है, ये कितना है 300 मिलीलीटर। m2 हमें निकालना है, बताइए फाइनल वॉल्यूम कितना रखा जाए, 700 होगा, 1000 होगा, कितना होना चाहिए। हमने इसको इसमें डाल दिया तो 700 तो ऑलरेडी था, तो 300 क्या हुआ हमारा और बढ़ गया, तो इसका मतलब नया वॉल्यूम तो 1000 हो गया, 1000। अब इसमें हम M2 निकालेंगे तो ये 0.5 × 300 डिवाइड बाय 1000। अब ये यूनिट यही है मोल पर लीटर। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया, आपने तो मिलीलीटर लिया, लीटर में तो कन्वर्ट ही नहीं किया, तो कैसे आया। बेटा इसकी क्या ब्यूटी है देखो जरा सा, कि 0.5 एम था तो इसका मतलब इसमें यूनिट छिपा हुआ था मोल पर लीटर, और यहां आपने मल्टीप्लाई किया है मिलीलीटर से, तो देखो मिलीलीटर और लीटर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा यूनिट मिलीमोल। तो आपके पास ऊपर में जो ये यूनिट था, ये टोटल यूनिट था मिलीमोल, और नीचे आपने 1000 क्या लिया है मिलीलीटर। देखिए मिली से मिली फिर कैंसिल हो गया, आपका यूनिट ऑलरेडी आ रहा है मोल पर लीटर। तो इसलिए जो हम यहां पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये आ जाएगा। So, लग रहा है मुझे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा और एडवांस लेवल में चलते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ मॉल्ट, जैसे दो चीज है आपके पास, यहां पर आपने लिखा है HCl जिसकी मॉलिडिटी है 0.2 m, 300 मिलीलीटर ये है आपके पास। दूसरे कंटेनर में भी HCl ही है लेकिन इसकी मॉलिडिटी है 0.1 है और ये है 200 मिलीलीटर। अब आपने फिर इसको मिला दिया इसमें, अब बेटे इसमें भी मोल है HCl का, इसमें भी मोल है, तो आपको दोनों मोल ऐड करना पड़ेगा। दोनों मोल ऐड करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, m1v1 इस कंटेनर को यदि 1 और इसको 2, तो इसका मोल और इसका मोल। और अब आपने कन्वर्ट तो करना नहीं है मिलीलीटर को लीटर में, तो ये मिलीमोल रहेगा, ये मिलीमोल होगा और टोटल मिलीमोल आ जाएगा। आप नीचे क्या करेंगे, आप नीचे दोनों का वॉल्यूम ऐड करिए, तो ये ऊपर में यूनिट क्या बन रहा है देखिए मिलीमोल, और यहां यूनिट क्या है मिलीलीटर, फिर देखो यूनिट क्या बन रहा है मोल पर लीटर। तो इस तरह से बेटे आप इसकी मॉलिडिटी भी निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और एडवांस स्टेज चलें, यदि ये रिएक्ट करने वाला होगा तब कैसा होगा, एक में हमने बेस रखा,
NaOH जिसकी मोलरिटी 0.2 mm है, 400 मिलीलीटर। दूसरे में एसिड है, HNO3, 0.1 mm, 600 मिलीलीटर। अब आप जानते हैं एसिड इमीडिएट बेस से रिएक्ट कर लेता है और एसिड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो जरा देखते हैं कि कैसे रिएक्शन हो रहा है इनका। NaOH प्लस HNO3 गिव्स NaNO3 प्लस वाटर। अब स्टोइकोमेट्री रिक्वायरमेंट क्या है कि कह रहा है NaOH 1 मोल चाहिए, तो HNO3 को 1 मोल ही चाहिए, तो ये 1 मोल सॉल्ट बनाएगा, 1 मोल वाटर डिलीवर हो जाएगा। 1 मोल NaOH, 1 मोल HNO3, 1 मोल वाटर बन गया। अब इसका मिलीमोल आपके पास कितना है, जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है हमारे पास कि कितना हमारे पास है, तो देखो 0.2 × 400 तो कितना मिलीमोल बनेगा आपका, 80 मिलीमोल। कहां से लाया ये, इससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। इसका एम 0.2 था और इसका वॉल्यूम 400 था, तो 400 × 0.2 करोगे तो कितना आएगा आपका, 80 मिलीमोल। ठीक इसी तरह से बेटा इसको मल्टीप्लाई कर दिया m into v, m है 0.1, ये 600, तो कितना मिलीमोल आ गया, 60 मिलीमोल। अब आप अपना पहला चैप्टर 11 क्लास का रिकॉल करो, आप पढ़ते थे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो पहले ही रिएक्शन में कंज्यूम हो जाता है, द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ 1 मोल पर 1 मोल का रिक्वायरमेंट है, तो कम कौन नजर आ रहा है, HNO3, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इसका 60 मिलीमोल, इसके 60 मिलीमोल से रिएक्ट कर गया, तो कर गया तो इसका 60 मिलीमोल रिएक्ट करके कहां पहुंच गया, यहां आ गया, वो 60 मिलीमोल ये बन चुका। अब इसमें बचा कितना NaOH, 20 मिलीमोल। तो जो आपका बच गया लेफ्ट आउट केस है, आप मोलरिटी उसी के तो निकालेंगे, तो अब मोलरिटी आपकी क्या आएगी, 20 मिलीमोल। और सॉल्यूशन कैसा हो चुका आपका, बेसिक हो चुका है। और टोटल वॉल्यूम देखिए, दोनों को मिक्स तो किया था आपने, 600 + 400 1000 मिलीलीटर, मिली से मिली कैंसिल, मोल पर लीटर क्या आने वाला है देखिए, 0.02, ये आपकी मॉलरिटी। इसी से आपने याद करो कि इक्विलिब्रियम में आप मिक्सचर के पीएच भी निकाला था आपने, तो इस तरह से हम आप इस केस को कर सकते हैं। अब इसमें यदि कोई एन फैक्टर वाला केस होगा उसको भी करेंगे हम लोग, थोड़ा उसको भी देखेंगे, लेकिन नॉर्मलिटी में देखेंगे। नेक्स्ट मोड में हम लोग चलते हैं मोलेलिटी। व्हाट इज मोलेलिटी, मोलेलिटी इज represented by small m, so it may be defined as the number of moles of solute by weight of solvent in kilogram. Always remember here difference between molality and molarity. In molarity we have used volume of solution, in molality we have used weight of solvent. So always remember this fact. Now what is the unit? So unit is mole per kilogram, and the solution is called molal solution. If term semi-molal is used, m/2, pentimolal is used, m/5, decimolal is used, m/10. So this may be expanded in this form, given mass by molar mass into 1000 by weight of solvent.
एन किलोग्राम. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन फॉर मोलैलिटी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैलिटी. यदि हम इसको करें, एक तरफ हम रखते हैं मोलैलिटी, एक तरफ हम लेते हैं मोलैलिटी, तो यहां पर बेटा यदि हमसे क्वेश्चन आए कि 1 m और 1 m विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड एंड वाई, क्या जवाब देंगे हम लोग? 1 m इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन 1 m, हमारा जवाब ये होगा. अब क्यों? इन दिस केस 1 mole ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन, बट इन दिस केस 1 mole ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन एडिशनल 1 kilogram ऑफ सॉल्वेंट, इसलिए आपका मोलैलिटी थोड़ा सा कम हो जाएगा. नाउ यदि हम टेम्परेचर की बात करें, तो इस केस में देखो कि मोलैलिटी आप लिखते हैं NB/V, और यहां पर आप लिखते हो NB/WA. तो देखो टेम्परेचर से कौन इफेक्टेड होने वाला है, ये इफेक्टेड होने वाला. और आप जानते हैं टेम्परेचर से वॉल्यूम क्या होगा, यदि बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो मोलैलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा. सो दिस मोड ऑफ कंसंट्रेशन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर बट इट इज इंडिपेंडेंट. यदि हम टेम्परेचर की बात और करें, तो क्या मोल फ्रैक्शन, क्या मास परसेंटेज, क्या टेम्परेचर से इफेक्टेड होने वाला है? यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया कि हमारे पास 4 है, कौन कौन मोड है, एक तो आ गया हमारा मोल फ्रैक्शन, दूसरा आ गया हमारा मास परसेंट, तीसरा मोड है मोलैलिटी, और चौथा ऑप्शन आपको दिया मोलैलिटी. राइट ऑप्शन आपको चूज करना है कि विच वन विल गेट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर. तो आप किसको टिक कर देंगे कि टेम्परेचर से कौन इफेक्ट हो रहा है, तो मोलैलिटी इफेक्ट हो रहा है. क्यों मोलैलिटी इफेक्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें वॉल्यूम का टर्म लगा हुआ था, इन सब में किसी में सब में मास का टर्म है, इसलिए. अभी हम नेक्स्ट मोड चलते हैं नॉर्मलिटी. जो अपने एनसीईआरटी में तो नहीं है मेंशन, लेकिन उसे पढ़ना चाहिए थोड़ा सा. जब बच्चे हमारे कॉम्पिटिशन मोड में जाते हैं तो वहां उनको बहुत ये बेनिफिट देता है. नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल, सो इट मे बी डिफाइंड एज the number of gram equivalents, number of gram equivalents, dissolved in 1 liter of solution. ये solution का volume है. कैसे निकालेंगे आप number of gram equivalent? Mole कैसे निकालते हैं? Mole आप निकालते हैं given mass by molar mass. इसको निकालेंगे आप गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट, अब बात आएगी इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा. इक्विवेलेंट वेट निकलेगा मोलर मास बाय एन फैक्टर. अब फिर हम लोग एन फैक्टर पर आके फंस रहे हैं कि एन फैक्टर है क्या. फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि नॉर्मलिटी कैसे निकला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट निकल रहा है हमारा मोलर मास बाय एन फैक्टर. तो यदि हम इस चीज को देखना चाह रहे हैं तो एन फैक्टर निकाले कैसे, तो एन फैक्टर के लिए एसिड के लिए हमारा है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस. रिप्लेसेबल वर्ड जब यूज करते हैं इसका मतलब उसमें जितना भी एच है, हो सकता है रिप्लेसेबल नहीं हो,
जैसे हमने लिया HCl, HCl एक हाइड्रा एसिड है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, तो ये यदि वाटर में आप करेंगे इसको तो ये क्या होगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्यों बोलते हैं वर्ड आयोनाइजेशन, और जब हमारा आयनिक कंपाउंड टूटता है तो बोलते हैं डिसोसिएशन। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ढंग से समझना है। HCl यहां पर एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, गैस था, और इसमें कोई आयंस था नहीं पहले से, क्योंकि ये तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बना है, शेयरिंग से बना है। लेकिन जैसे ही आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, इसको क्रिएट करता है डाइपोल, इस डाइपोल डाइपोल से ये आयंस फ्री हो जाते हैं, तभी हम बोलते हैं इसको आयनाइजेशन। तो ये एसिड को क्या नाम दिया हमने, हाइड्रा एसिड। ऑक्जो एसिड क्या होता है, ऑक्जो एसिड का क्या कंडीशन होता है, देखिए जैसे आपके पास फॉस्फरस का ऑक्जो एसिड की बात करें, ये एक मिनिमम कंडीशन होता है ऑक्जो के लिए। ये डबल बॉन्ड ऑक्जो को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ डायरेक्टली अटैच टू OH ग्रुप, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्जो एसिड, क्योंकि ये यहां से निकलने वाला H आयन है O माइनस और H प्लस। तो अब देखें केस हम लोग, जैसे H3PO4 है, H3PO3 है, H3PO2 है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फेनिक एसिड और हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये इसका नाम है। तो फॉस्फोरिक में रिप्लेसेबल यदि आप H की बात करेंगे तो 3 है, मतलब N फैक्टर इनका 3 है। कैसे 3 है, ये देखिए P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल हियर, सो N फैक्टर 3 हो गया। इस केस में मैं कह रहा हूं N फैक्टर 2 है, क्यों, क्योंकि ये देखिए डबल बॉन्ड O ऑक्जो है, एक OH, दूसरा, अब आपके पास कोई ऑक्सीजन है नहीं इस H के लिए, तो क्या करेंगे, PH बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड हो गया। सो दिस PH बॉन्ड यदि आप वाटर में जाएंगे तो ये टूट करके H प्लस नहीं देने वाला आपको, सो ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपके पास कितना बचा, 2, तो इसका मोलर मास को डिवाइड करेंगे आप 2 से, और इसमें N फैक्टर सिर्फ 1 है। देखिए P डबल बॉन्ड O OH, आपका ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब आपके पास सिर्फ हाइड्रोजन बचा है, तो इसलिए ये हाइड्रोजन ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। तो इस तरह से बेटे आप एसिड के लिए क्या कर सकते हैं कि हम जितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो हमारा N फैक्टर बनेगा और हम निकाल सकते हैं उसका इक्विवेलेंट वेट। नाउ फॉर बेस, बेस के लिए हमारा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस है, जो ऑरिजिनस कॉन्सेप्ट में आप देखते हैं बेस कौन है, जो हाइड्रोक्सिल आयन देता है सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास देखिए 1 मिल रहा है हमें, तो इसका N फैक्टर 1 होगा, लेकिन बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो इस केस में हमारे पास 1 मोल से 2 OH माइनस मिल रहा है, तो N फैक्टर इसका 2 है। तो इस तरह से हम इसको बेस फैक्टर N फैक्टर देख सकते हैं। तो यहां N फैक्टर 1, यहां N फैक्टर 2। सॉल्ट के लिए देखिए क्या होगा, सॉल्ट का N फैक्टर होता है, सॉल्ट ऑलवेज न्यूट्रल होता है, जितना आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो N फैक्टर इज इक्वल टू आइदर चार्ज, अदर कैटायंस और एनायन। फॉर एग्जाम्पल NaCl, तो आप देखते हो किसके ऊपर चार्ज कितना कितना चार्ज है, Na प्लस Cl माइनस 1, तो N फैक्टर 1 हो गया। यदि आप देखें Na2SO4, तो इसका N फैक्टर क्या बन रहा होगा, 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस 2 माइनस, सो N फैक्टर 2 है। जर्कोनियम फॉस्फेट, देखिए इसका N फैक्टर कितना बन रहा है,
3 इंटू 4 12, 4 इंटू 3 12, रैंक फैक्टर इसका 12 है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए पोटासियम, ये डबल सॉल्ट है, कई बार हमारे जेई मेन वगैरह में आया हुआ है, इसका इन्फेक्टर क्या बनेगा डबल सॉल्ट। तो देखिए यहां तक इसका जैसे Na2SO4 में आपने देखा कि इसका इन्फेक्टर 2 बन रहा है, इसका इन्फेक्टर 6 बनेगा। क्यों 6 बन रहा है? 2 इंटू एल 3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, तो टोटल इन्फेक्टर हमारा 8 आ रहा है। तो इस तरह से हम सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन के साथ हम नॉर्मलिटी और मोलिडिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और एक फॉर्मूला देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in enough water to prepare 500 milliliter of solution. Calculate the molarity and normality of the solution. So, molarity, क्या फॉर्मूला? Given mass बाय मोलर मास, सो सिंपल पुटिंग द वैल्यू 9.8 आपको गिवन था, H2SO4 का निकालेंगे मोलर मास कितना आता बेटा 98 इंटू 1000, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपका 500 टू, सो 0.1 इंटू 2 0.2 है। अब नॉर्मलिटी में चलिए, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला था हमारा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे आप। अभी हमने एन फैक्टर H2SO4 का 2 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा 98/2 49। तो आपका गिवन मास कितना है 9.8, इक्विवेलेंट वेट कितना आया 49, वॉल्यूम लीजिए 2.2 0.4 नॉर्मल। अब ये देखिए इसके बीच यदि हम लोग लिखते यहां पर बेटा नॉर्मलिटी, तो हमने लिखा यहां पर 2 इंटू 0.2, यही तो है 0.4 तो है। अब देखिए 0.2 क्या आया था हमारा, मोलरिटी तो था, तो क्या इसके बदले लिख लें हम लोग मोलरिटी, और ये 2H2SO4 का क्या था बेटा एन फैक्टर तो था। तो देखिए फॉर्मूला आ गया हमारा कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो यदि आप सिर्फ मोलरिटी निकाल लिया है, एन फैक्टर आपको पता है, तो इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है और हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। और लास्ट मोड है आपका इसमें पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। कब यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन हम यूज करते हैं जैसे पॉल्यूशन के केस में, या सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, तब आप उसको मिलियंस में लेते हैं। तो फॉर्मूला आप लिखते हैं।